हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे अगर मैं गलती किया, ये सोच के आपको बहुत बुरा लग रहा है। मगर फैक्ट तो ये है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आज से मैं जो इंग्लिश जानता हूं उसे मैं बेहतरीन तरीके से बोलूंगा, तो आप खुद ब खुद एवरी डे एक एक पड़ाव आगे बढ़ेंगे। तो बिकॉज ऑफ फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हेसिटेशन, ये सब आपको टेंशन हो रहा है, फिर भी योर माउथ इज नॉट ओपनिंग। सिर्फ यू आर नॉट ओपनिंग योर माउथ इन इंग्लिश, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डांट रहा हूं। मैंने पहले भी बोला था कि आप शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं, मगर सिर्फ जो आप जानते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, और जो आपने प्रैक्टिस किया है उसके बारे में आप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरे जो लेसन्स है उसके बारे में मुझे पक्का नॉलेज है इंग्लिश में। और अगर कोई पूछेगा हाउ अबाउट योर फैमिली, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तो मैं ये सब के बारे में बोलने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। मगर जब हम पूछेंगे कि बता दीजिए बाहुबली मूवी का स्टोरी क्या है, तो आपको झिझक महसूस होगी, तब आप डरेंगे क्योंकि आपने कैजुअली इंग्लिश में बात नहीं किया। और इंटरव्यूज में हम यही करते हैं, इंटरव्यूज में हम कैजुअली आपके साथ बात करते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेकिंग योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो मुझे ये चाहिए इंटरव्यूज में, अगर आपको काम चाहिए तो मैं दे दूंगा, मगर सैलरी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि यू आर वीक इन इंग्लिश, योर इग्नोरेंस इज मच हायर देन योर इंटेलिजेंस, बिकॉज यू आर इन अ हरी टू टॉक, बिकॉज यू टॉक विदाउट थिंकिंग, यू डोंट थिंक एंड टॉक, प्रिपेयर एंड टॉक, ब्रीद एंड टॉक, लिसन एंड टॉक, ऑब्जर्व एंड टॉक, प्रैक्टिस एंड टॉक। आप जल्दी में है बोलने के लिए, एस्केप हो जाने के लिए, इस वजह से आपका इंग्लिश जो है वो फीका पड़ रहा है। तो वॉट यू हैव टू डू इज, आपको बात करते समय कंफर्टेबली बात करना है। अगर आप मेरे सामने इंटरव्यू में बैठेंगे और कैजुअली बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, आप जो भी मैं पूछूंगा उसे आप सोच के आराम से उत्तर देंगे, नहीं तो आप बोलेंगे सॉरी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट, तो मुझे यकीन होगा कि आप कंफर्टेबल है। आप जहां पे भी बैठे हैं, जो आप जानते हैं उसे आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आप नहीं जानते हैं उसके बारे में आपको डर नहीं है। आपके साथ चार कदम चल के मेरे एफर्ट से आई विल बिकम बेटर, ऐसा आपका एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, और आप मुझे दिखाएंगे कि आई एम एन एक्सपर्ट, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको जॉब भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी। मगर इफ यू डोंट शो मी योर कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, तो मैं जॉब दूंगा, सैलरी कम दे दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि आप क्या नहीं जानते हैं, और मैं आपका सैलरी कम कर दूंगा। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।